हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग जन्मोत्सव कहते हैं बिकॉज हनुमान जी चिरंजीवी थे हैं, और कुछ लोग जयंती कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा। मेरे लिए तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं और हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई भी शिकायत होती है अब मैं इंसानों से शिकायत नहीं करती, मैं सीधे हनुमान जी से करती हूँ कि भाई ज़रा देख लेना उनका ही लठ लगता है सबसे ज़्यादा, है ना। मेरे घर में हम जब इटावा के एक पुराने एरिया में रहते थे तो वहाँ पे दीवार में ही हनुमान जी बने हुए थे। काफ़ी बड़ी साइज़ की मूर्ति है जो बहुत सिद्ध मूर्ति है। एंड देन फिर हम जब हमारे नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ बकायदा मंदिर बनवाया गया और हनुमान जी की मूर्ति रखी गई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और जो मेरे पुराने घर के हनुमान जी थे तो उनको आवाहन किया गया। और हम सबका ऐसा मानना है कि हनुमान जी जो हैं, जो मतलब मेरे तो जन्म से बचपन से जिनको मैं देखती आ रही हूँ, फील करती आ रही हूँ, वो उस मंदिर में विराजमान है। तो हमारे घर में बिकॉज हमने शुरू से ही हनुमान जी को पूजा है, बहुत पूजा है, तो मतलब मेरा तो बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए ना दिन शुरू होता है ना रात ख़त्म होती है, ना रात होती है ना दिन होता है, सॉरी। तो और जब भी मुझसे कोई कहता है कि सामने वाला कोई बहुत परेशानी में, किसी चीज़ से उसको डर लग रहा है, किसी चीज़ से तकलीफ है, गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप प्लीज़ हनुमान चालीसा पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, धीमे 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 चीज़ें ठीक होती रहेंगी। ऑफकोर्स मेहनत भी करनी होगी। सो दैट्स हाउ आई फील कि हनुमान जी की जो कहते हैं कृपा है वो हमेशा मेरे साथ है, साथ साथ चलती है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव की, और हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बाय।